हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लाइफस्टाइल। आज हम बात करेंगे भारत के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स की। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, तो चलिए एक एक करके हम लोग इनको देख लेते हैं। पहला उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई। इसका जो मुख्य पीठ है वह है कोलकाता। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम है। नंबर दो है बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई। मुख्यपीठ मुंबई, खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। मुख्य न्यायाधीश रमेश धानुका। नंबर तीन है मद्रास उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई। मुख्यपीठ चेन्नई, खंडपीठ मदुरई। राज्य क्षेत्र अधिकारिता तमिलनाडु, पुडुचेरी। मुख्य न्यायाधीश संजीव वी गंगापुर वाला। नंबर चार है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। स्थापना 1866। मुख्यपीठ प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर। नंबर पाँच है कर्नाटक उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1884 में हुई। मुख्यपीठ है बंगलुरु, खंडपीठ है धारवाड़ गुलबर्ग। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कर्नाटक। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना वी वरले। नंबर छः है पटना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1916 में हुई। मुख्यपीठ है इसका पटना। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। ठीक है, अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1916 में हुई। मुख्यपीठ पटना। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार। इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो है के विनोद चंद्रन। नंबर सात है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1948 में हुई। मुख्यपीठ गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। इसका जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वह है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। मुख्य न्यायाधीश हैं संदीप मेहता। नंबर आठ है उड़ीसा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका जो मुख्यपीठ है वह है कटक। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उड़ीसा। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। नंबर नौ है राजस्थान उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1949 में हुई। मुख्यपीठ जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता राजस्थान। मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टन जॉर्ज मर्स। नंबर दस है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसकी स्थापना 1928 में हुई। मुख्यपीठ श्रीनगर जम्मू। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू कश्मीर लद्दाख। इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वे हैं तासी राबस्तान। नंबर 11 है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1956 में हुई। मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर, इंदौर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मध्य प्रदेश। मुख्य न्यायाधीश आर वी मलिमठ। नंबर 12 है केरल उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1956 में हुई। मुख्यपीठ कोच्चि। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता केरल लक्षद्वीप। मुख्य न्यायाधीश एस वी वट्टी। नंबर 13 है गुजरात उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई। मुख्यपीठ अहमदाबाद। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता गुजरात। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे हैं आशीष जितेंद्र देसाई। नंबर 14 है दिल्ली उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1966 में हुई। मुख्यपीठ नई दिल्ली। इसका जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है वह है एनसीटी दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा। नंबर 15 है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। स्थापना 1966। मुख्य पीठ चंडीगढ़। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे हैं रविशंकर झा। नंबर 16 है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1971 में हुई। मुख्यपीठ शिमला। और इसके जो राज्य क्षेत्र अधिकारिता है वह है हिमाचल प्रदेश। मुख्य न्यायाधीश
SSR रामचंद्र राय। नंबर 17 है सिक्किम उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1975 में हुई। मुख्यपीठ गंगटोक, राज्य क्षेत्र अधिकारिता सिक्किम, मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेव। नंबर 18 है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2000 में हुई। मुख्यपीठ बिलासपुर, राज्य क्षेत्र अधिकारिता छत्तीसगढ़, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं रमेश सिन्हा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2000 में हुई। इसका जो मुख्यपीठ है वह है नैनीताल, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तराखंड, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांगी। नंबर 20 है झारखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2000 में हुई। मुख्यपीठ रांची, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता झारखंड, मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह। नंबर 21 है मेघालय उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2013 में हुई। मुख्यपीठ शिलोंग, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मेघालय, इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो है संजीव बनर्जी। नंबर 22 है मणिपुर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2013 में हुई। इसका जो मुख्यपीठ है वह है इम्फाल, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मणिपुर, मुख्य न्यायाधीश MV मुरलीधरन। नंबर 23 है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, स्थापना 2013, मुख्यपीठ अगरतला, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता त्रिपुरा, मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह। नंबर 24 है तेलंगाना उच्च न्यायालय, स्थापना 2019, मुख्यपीठ हैदराबाद, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तेलंगाना, मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइया। नंबर 25 है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2019 में हुई। मुख्यपीठ विशाखापट्टनम, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आंध्र प्रदेश, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्र। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। वह है भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। इसमें पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा है बम्बई उच्च न्यायालय, तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। अगर इन दोनों के आपको उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट याद करने में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए आप ट्रिक ये लगा सकते हैं कि अ से आंध्र प्रदेश, और है ना, और जो इसका जो रिलेशन है वो किससे है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो उसका जो उच्च न्यायालय कहाँ पे होगा, हैदराबाद में होगा। और उसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश अ से आंध्र प्रदेश, और उसका जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया अमरावती, अ से अमरावती। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर मैच कर रहा है अ से, और जो डिफरेंट है वो हो गया आपका तेलंगाना वाला। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।